तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा जजमेंट निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट को आज डिसाइड करना था कि क्या रफाल के रिव्यू पिटिशंस के अगेंस्ट जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस थे गवर्नमेंट की, क्या ये मान सकते हैं या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि देखो ये रिव्यू पिटिशंस जो लगाए गए हैं पिटिशनर्स के साइड से, इन रिव्यू पिटिशंस में उन्होंने को सपोर्ट करने के लिए वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, चोरी किए गए डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं और इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स को यूज़ नहीं किया जा सकता है। कोर्ट को आज देखना था कि क्या ये गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट सही था, क्या ये डॉक्यूमेंट्स को नहीं यूज़ किया जा सकता था। तो आज कोर्ट ने बोला कि ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस को डिसमिस किया, उन्होंने बोला कि नहीं ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर वो रेलेवेंट है कोर्ट डिसाइड कर लेंगे कि इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि रिव्यू पिटिशंस ने एन राम जो हिंदू के हैं उनके आर्टिकल्स और कुछ और भी जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स को यूज़ करके वो दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने मिसलीड किया गया था, सरकार ने मिसलीड किया था जब उन्होंने सील्ड कवर में डॉक्यूमेंट दिए थे पिछले नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जो वो दिखा रहे थे। जो आज हुआ है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट को रोका गया है और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वो सब डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे। वो उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि रिव्यू पिटिशंस गलत है या सही है, पर एटलीस्ट ये चीज़ें को अब सुना दिया जाएगा। अब इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो डिसीजन था वो दो जजमेंट थे, तो ऐसे लग रहा था पहले कि शायद से डिसेंटिंग जजमेंट होगा क्योंकि चीफ जस्टिस गोगोई का एक जजमेंट था और जस्टिस के एम जोसेफ का एक जजमेंट था। जस्टिस के एम जोसेफ ने बहुत अग्रेसिव, बहुत तगड़ा क्वेश्चनिंग किए थे इनके गवर्नमेंट के कोर्ट में। उन्होंने बहुत सही तरह से गवर्नमेंट के चीज़ों पे आरोप लगाए थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था और उन्होंने और क्योंकि तो ऐसे लग रहा था कि शायद से चीफ जस्टिस का दूसरा जजमेंट आएगा और फिर के एम जोसेफ का डिसेंट होना पड़ेगा, पर आज ये पता चल गया कि नहीं, दोनों जजेस का एक ही मानना है। उनका थोड़ा जैसे वो इस डिसीजन पे पहुँच गए हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा उनका रीजनिंग डिफरेंट है, पर मेनली उनका चीज़ यही है। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या रिव्यू पिटिशन में इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा सेटबैक है, उनको वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे इस जजमेंट से, और पिटिशनर्स जैसे अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण, उनके लिए तो काफ़ी खुशी की बात है।